हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम पेट्रियोटिक थीम पे एक ड्राइंग करने वाले हैं और इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। और ऐसा ही एक स्केच मैंने लास्ट ईयर किया था, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। सबसे पहले तो हम मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया यहाँ पे। ये है वाटर कलर पेपर 200 GSM, और ऑयल पेस्टल मैंने यूज़ किया डोम्स का। इसके साथ मैंने एक यूज़ किया प्रोडक्ट जो कि बहुत ही यूज़फुल है और मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ये कैमलिन का ब्रश पेन। तो जैसे जैसे ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊँगा। और एक रफ़ स्केच के लिए मैंने यहाँ पे स्टेडलर का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किया। आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बेस, जैसे कि हम कहाँ पे हम जो थीम है हमारा और ह्यूमन फिगर बनाने वाले, तो ह्यूमन फिगर बनाने के लिए हाइट क्या होगी सबसे पहले हम वो डिसाइड करेंगे। और वो डिसाइड करने के बाद सबसे पहले उसका सरफेस, जैसे वो जहाँ पे है स्टैंड किया हुआ, तो वो सरफेस हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, डिसाइड कर लिया कि यहाँ तक होगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा। और जो भी हम बनाएंगे बिल्कुल ही लाइट, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग इसको इरेज करने वाले। तो ये हमारा हाइट हो गया और यहाँ पे हम लोग पहले हेड, नेक, फिर यहाँ से ये बॉडी, ये कुछ हम लोग यहाँ से बॉडी बनाएंगे, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो इसको हम रिफाइन करेंगे कैसे, तो सबसे पहले कैप, और कैप बनाने के बाद ये हमारा फेस, जैसे मैंने बताया था कि नेक, और नेक बनाने के बाद क्लॉथिंग, और ये हैंड, हैंड के साथ साथ मैं यहाँ पे सैल्यूट हैंड पे दिखाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ हमें क्लॉथ्स के जो फोल्ड हैं वो भी दिखाना है विद आर्म्स। और ये जो है पहला जो हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया विथ कैप, मैंने यहाँ पे बना लिया। और इसको हम वापस से इरेज करते हैं जितने भी हम लोगों ने बनाए। और उसके बाद जो सेकेंड है फिगर है, जो फिज यहाँ पे बनाया मैंने, ये कुछ इतना बनाया। और ये मैं थोड़ा डिस्टेंस पे बना रहा हूँ, पर्सपेक्टिव पे। फिर इसको हम जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इरेज कर लेंगे, जो भी आपको कुछ दिख रहा है कि जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा है। और ये हमें इमीडिएट इरेज कर लेना चाहिए क्योंकि इसे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये हो जाने के बाद हम एक साइज मार्क का यहाँ पे कैप बनाने वाले हैं। कैप के साथ यहाँ पे गन,
तो ये हम करें, यहाँ पे गन भी कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे अभी हम ब्रश पेन से फिल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हम कुछ ग्रेड्स लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम मैं आपको दिखाऊँ कि इसमें मैंने तीन ग्रेड लिए, जैसे एकदम ब्लैक है और डार्क ग्रे और ये ग्रे। तो सबसे पहले हम डेप्थ क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो छोटा है उसको मैं इसे करने वाला हूँ ग्रे से। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम है, तो इससे आपको पता चलेगा। जैसे डेप्थ दिखाने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो ब्राइटनेस एंड डार्कनेस। जो भी चीज़ें डार्क हैं वो एकदम कैमरे के सामने है तो बड़ा दिखेगा हमें, और जो दूसरा है वो है ब्लर। अगर आप सामने की चीज़ें अगर ब्लर करते हो या पीछे की चीज़ें ब्लर करते हो तो हम एक चीज़ कंसिडर करेंगे, तो उसको हम दिखा सकते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड ब्लर के हिसाब से। तो ये हो जाएगा दूसरा। और तीसरा होता है फॉग। जब कोई भी चीज़ आप दूर जो चाहती है वो हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती है, तो जैसे जैसे चीज़ें दूर होंगी वो उसकी इन्वायरमेंट के अंदर में आ जाएंगी, तो वहाँ पे हमें डेप्थ दिखेगा। और जो जो चीज़ें हमारे सामने होंगी आंखों के वहाँ पे हमें क्लियरिटी दिखेगी। और ये होने के बाद इसके सामने का जो है जी वाला है इसको हम डार्क ग्रे से करेंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ये भी कंप्लीट कर लिया। और ये हो जाने के बाद फिर हम ऑयल पेस्टल का यूज़ करेंगे। तो ऑयल पेस्टल जैसे मैंने आपको बताया कि डोम्स का हम लोगों ने यूज़ किया, तो उसके लिए मैंने कुछ कलर्स निकाले, जैसे रेड है ये प्राइमरी रेड, ये लेमन येलो और ब्लैक यूज़ किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने रेड का क्यों यूज़ किया, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिखाने के लिए, जो कि एक वॉर का, एक कह सकते हो वॉर का भी एक साइन होता है।
और ये होने के बाद फिर हम टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे और टिश्यू पेपर को कुछ हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको बिल्कुल ही टाइट रखेंगे जिससे कि वो उसके जो पार्टिकल्स हैं इसके जो जितने भी हैं वो छोड़े नहीं पेपर पे। और सबसे पहले हम रेड से स्टार्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, जिससे आप देख रहे हैं सबसे पहले हम ब्राइट कलर जो कि यहाँ पे येलो है उससे करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम इसको ब्लेंड करेंगे तो इसका जो ओरिजिनलिटी है या आप कह सकते हो कि इसके जो एग्जिस्टेंस है वो रहेगा, नहीं तो अगर येलो कर रेड पहले कर दिया तो फिर वो डोमिनेट कर देगा ब्राइट कलर को। तो यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक आप इसमें भी आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा ही आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग कुछ अपना दें कुछ वर्क, वैसे ही मैं यहाँ पे टच देने वाला हूँ। तो एक एक साइड से हम इसको ये जो जेल पेन है उससे हम इसको निकालने वाले हैं और आप ग्लास मार्किंग पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आउटलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे एक साइड से लाइट डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो ये बेनिफिट क्या होता है, ये एक अच्छा सा बैकग्राउंड से सेपरेट भी करता है हमारे जो मेन ऑब्जेक्ट है। और हमें सिर्फ एक साइड से ही करना है, तो यहाँ पे दिख रहा हूँ। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। और अब ग्लास मार्किंग पेंसिल की हेल्प से भी ये दिख रहे हैं, ये एक ग्लास मार्किंग पेंसिल है जो कि ये भी बहुत यूज़फुल है। इसको आप रन कर सकते हो, इसको जहाँ पे भी आपको एक शेड देना हो। और बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस पे रन करते हैं ऑयल पेस्टल पे जो सपोर्ट करते हैं, नहीं तो अगर आप बहुत सारी हैं जो हैं वो करते ही नहीं है, जो कि हम यहाँ पे वन साइड यहाँ पे करने वाले। और एक तो मैं जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इस आर्टवर्क के साथ साथ कुछ मैं आपको ट्रिक्स भी बताता रहता हूँ, तो यहाँ पे तो हम मैंने आपको बता दिया ग्लास मार्किंग पेंसिल और वाइट जेल पेन, इन दोनों की हेल्प से आप एक फॉल ऑफ क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे लाइट का। और यहाँ पे मैं डेप्थ के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ जो कि थोड़ा मैं ब्राइट रख रहा हूँ। तो ये मैंने एक डेप्थ भी क्रिएट किया, ये जैसे देख सकते हैं थोड़ा और फॉगी। और इसके साथ साथ अगर आपको और ज़्यादा ब्राइट चाहिए आपको कॉर्नर्स में, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक नॉर्मल कटर है, ब्लेड भी कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ से जो कॉर्नर है यहाँ से मैं उतने एरिया को जैसे ऑयल पेस्टल है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो वाइट है, तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो यहाँ से ना कलर जब उड़ेगा तो उसका जो हमारा बेस कलर है वो दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप एक अच्छा सा हाईलाइट देख सकते हैं,
तो यहाँ से बस हमें वहाँ से निकालना है कलर को। तो हर एक एरिया में आपको डिपेंड करता है कि कौन से एरिया से आपको लाइट डायरेक्शन है, तो वहाँ से ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। और इससे क्या होगा, आपकी जो क्रिएटिविटी भी दिखेगी और दूसरी ये कि आपका जो आर्टवर्क है और ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखेगा। ये और यहाँ पे भी हम कर लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है अगर आपको निकालना चाहते हैं स्क्रैच करके, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये और इसको फिर क्लीन कर लें। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अलावा आप भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि क्या कर सकते हैं आप, इसमें ग्रास बना सकते हो, इसमें टेक्सचर बना सकते हो। तो ये मैंने एक क्विक आपको एक ड्राइंग करके बताया। इसमें आप बहुत सारे प्लेन्स डाल सकते हो, बर्ड्स डाल सकते हो। तो ऐसे करके आप इवनिंग सीन में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, क्लाउड भी ऐड कर सकते हो। तो इसमें आप स्काई में वेरिएशन भी कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिए, जिससे कि मैं आपको देख सकूँ कि मैंने जितना भी बताया आप तक कितना पहुँचा। और अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें। इसमें आपको पता चलेगा, जैसे मैंने लास्ट ईयर में पैट्रियोटिक पे एक और किया हुआ जिसमें फार्मर और सोल्जर को दिखाया हुआ, जय जवान जय किसान, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा, और जो नए हैं जो इस साल के स्टार्टिंग में आए तो वो भी उस ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें। और ये सब चीज़ें देखने से आपको एक आइडिया भी आता है कि आगे अगर आप कुछ उस कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।